उपजिला चिकित्सालय विकासनगर का आज मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी वार्डों में जाकर व्यवस्थाएं जांची और मौके पर लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। विकासनगर अस्पताल की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, रघुनाथ सिंह नेगी जी द्वारा भी बार बार मुझको अवगत कराया जा रहा था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने औचक निरीक्षण किया है। तो स्टाफ चिकित्सकों में या अन्य स्टाफ करीब सभी ड्यूटी पर उपस्थित हैं, लेकिन गंदगी का इशू इस चिकित्सालय में है, क्योंकि मरीजों का अत्यधिक दबाव है इस अस्पताल में। उस हिसाब से जगह की कमी होने की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा अस्पताल में है और सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। तो मैंने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दे दिए हैं कि सफाई व्यवस्था में सुधार करें और मैं विभागीय और अमनता को भी शीघ्र यहाँ भेज रहा हूँ। तो इस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए हम DPR बनवा के शासन में फिर धनराशि की मांग कर रहे हैं।